हेलो बच्चों, आज मैं आप लोग को न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का थर्ड वीडियो लेकर आया हूँ। पिछले दो वीडियो में मैंने इनर्शिया और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का फर्स्ट एंड सेकंड लॉ के बारे में चर्चा किया। उसमें मैंने एफ इजकल टू एम ए का फॉर्मूला निकाला। अब यहाँ पर एक सवाल मेरे पास जरूर होगा कि कैन यू डिराइव द फर्स्ट लॉ फ्रॉम द सेकेंड लॉ। क्या फर्स्ट लॉ को सेकंड लॉ से हम लोग ड्राइव कर सकते हैं? देखते हैं। तो यहां पर हम टॉपिक देखते हैं, डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट लॉ फ्रॉम सेकंड लॉ। तो इस डेरिवेशन में हम फॉर्मूला यूज करेंगे एफ इजक्वल टू एम ए। एफ फॉर्मूला तो हमने यूज किया था, निकाला था। अब एम ए को क्या लिखेंगे? बी माइनस यू बाई टी। और इफ एफ एक्सटर्नल इजक्वल टू जीरो, मान ली कि एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो जीरो बराबर एम बी माइनस यू बाई टी। इसको इधर लेकर चले आइए तो ये जीरो हो जाएगा, बी माइनस यू, तो बी इजक्वल टू यू, यानी इनिशियल वेलोसिटी इजक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। तो इसका दो मतलब है कि अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो फाइनल वेलोसिटी भी जीरो, और इनिशियल वेलोसिटी अगर यू है तो फाइनल वेलोसिटी भी यू। तो इसका मतलब क्या हुआ? इट इज द रेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ? यूनिफॉर्म मोशन। दिस मीन्स यहां भी क्या निकला कि अगर ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो ऑब्जेक्ट आइदर इन द रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन। यानी अगर ऑब्जेक्ट पर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाए तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी या तो जीरो हो जाएगी, यानी या तो रेस्ट में होगी, और इट इज इन द यूनिफॉर्म मोशन। अब सोचिए बच्चों, फर्स्ट लॉ क्या कहता था कि इफ नो एक्सटर्नल फोर्स विल एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट देन इट विल कंटिन्यू इट्स स्टेट। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तब, तो यहां ले लिया, देन इट विल कंटिन्यू स्टेट, तो या तो रेस्ट में रह रहा है या तो यूनिफॉर्म मोशन में रह रहा है। इसका मतलब कि फर्स्ट लॉ कैन बी ड्राइव न्यूमेरिकली फ्रॉम द सेकंड लॉ। इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज द मेन लॉ। सेकंड लॉ ही मोशन का मेन लॉ होता है। ठीक है, अब आगे हम लोग एक छोटा सा टॉपिक निकालते हैं, वो हमारा है इम्पल्स। अभी हमने पढ़ा है बच्चों कि फोर्स बराबर क्या होता है? रेट चेंज इन मोमेंटम बाय चेंज इन टाइम। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड द फोर्स। ये मैंने सेकंड लॉ के फॉर्मूला से लिखा है। सेकंड लॉ कहता ही है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, एफ इंटू डेल्टा टी इज कॉल टू डेल्टा टी। अब ये जो फैक्टर है फोर्स इंटू डेल्टा टी, इसी को हम लोग कहते हैं इम्पल्स। यानी इम्पल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। ए टाइम इंटरवल बहुत छोटा होना चाहिए, यानी बहुत कम समय के लिए ए फोर्स लगनी चाहिए। अगर यहां पर बच्चों मान लो कि लेट डेल्टा पी इजक्वल टू कॉन्स्टेंट, डेल्टा पी को कॉन्स्टेंट मान लो, तो एफ इजक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। डेल्टा पी तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट और इक्वल टू को हटाकर प्रोपोर्शनल में लगा सकते हो, तो 1 बाई डेल्टा टी हो जाएगा। ये इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। टाइम ऑफ इंपैक्ट अगर कम रहेगा, यानी कम समय के लिए फोर्स अगर लगेगा, तो दैट फोर्स विल बी वेरी लार्ज, प्रोवाइडेड दैट चेंज इन मोमेंटम शुड बी कॉन्स्टेंट। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा, प्रभाव कहाँ होगा? तो सबसे पहला साइंटिफिक कॉल है कि वाई डज द फील्डर पुल द हैंड वाइल ही इज कैचिंग द बॉल। अगर बॉलर फील्डर बॉल को कैच करता है तो हाथ को पीछे खींचता है, ऐसा क्यों करता है? आप सोचिए कि ए मान लेते हैं कि फील्डर का हाथ है, सपोज दैट, और यहां से बॉल यहां आ रही है, तो बॉल जब यहां पर जस्ट यहां पर जब बॉल पहुंचेगी तो इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी, और जब ही हाथ को टच करेगी तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? जीरो।
तो चेंज इन मोमेंटम तो यहाँ हो जाएगा, दैट विल बी कांस्टेंट। जो भी वेलोसिटी यहाँ होगा उसके लिए चेंज इन मोमेंटम तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन ए वेलोसिटी को मैक्सिमम टू जीरो होने में टाइम कितना लगा? वेरी वेरी स्मॉल, सडनली एक तरीके से हो गया। अगर टाइम बहुत कम हुआ तो फोर्स कितना होगा? बहुत ज्यादा, यानी ए बॉल हाथ पर बहुत ज्यादा फोर्स जनरेट करेगा एंड द फील्डर विल गेट हर्ट, उसको हाथ में चोट लगेगा। प्रॉब्लम समझ गए कि इफ द फील्डर विल कैच द बॉल देन द इट विल टेक ए वेरी लिटिल टाइम टू चेंज द वेलोसिटी एंड इन दिस कॉन्टेक्स्ट ए लार्ज फोर्स विल बी जनरेटेड विच कैन हर्ट द हैंड। ऑन द अदर हैंड इफ ही विल पुल द हैंड, अगर वो हाथ को ऐसे खींच लेता, बॉल को यहां से स्लोली स्लोली यहां लाकर रोकता, तो उसको इतना टाइम इंटरवल बढ़ जाता और टाइम इंटरवल जब ही बढ़ेगा तो फोर्स कम होगा। फोर्स कम होने का मतलब कि वो आसानी से कंफर्टेबली बॉल को कैच कर सकता है। तो इस पर साइंटिफिक कॉज था। एक और है इसी तरीके से कि व्हाई डज द ग्लास टम्बलर क्रैक व्हेन ड्रॉप्ड ऑन द हार्ड सरफेस, बिकॉज व्हेन इट ड्रॉप फ्रॉम द हार्ड सरफेस देन द वेलोसिटी इट टेक्स ए वेरी लिटिल टाइम टू चेंज द वेलोसिटी मैक्सिमम टू जीरो, सो इट विल प्रोड्यूस ए लार्ज फोर्स विच विल एबल टू क्रैक द ग्लास टम्बलर। इसी तरीके से कराटे का आपने देखा होगा कि कराटे में टाइल्स को तोड़ने के लिए कराटे में बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, तो उसमें क्या करता है कि वो आदमी हाथ को बहुत तेजी से नीचे ले जाता है, बहुत तेजी से अचानक सडनली, सो दैट इट टेक्स अ वेरी लिटिल टाइम टू चेंज द वेलोसिटी मैक्सिमम टू जीरो एंड व्हेन इट विल बी वेरी लिटिल टाइम देन लार्जर फोर्स विल अप्लाई हियर एंड दिस फोर्स इज एबल टू क्रैक द टाइल्स। तो ऐसे कई साइंटिफिक कॉज हैं जो इम्पल्स पर बेस्ड होते हैं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बच्चों थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसके बाद हमें पढ़ना है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इट इज द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये क्या कहता है कि ईच एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ईच एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हर एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है पहला, और इसी में जुड़ा हुआ है कि एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, और एक्शन और रिएक्शन दो अलग अलग बॉडीज पर काम करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा टेबल है, अब इस पर हमने बुक रख दिया तो क्या होगा? अर्थ अपने वेट से इसको खींचेगी, एमजी फोर्स से अर्थ इसको खींचेगी, तो क्या होगा? ये दोनों सरफेस कांटेक्ट में आएंगे और यह इस पर एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा। बदले में यह सरफेस भी इस पर ऊपर की तरफ एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा। तो ये दोनों नॉर्मल फोर्स जो हैं ये थर्ड लॉ को फॉलो करते हैं। अगर इसको एक्शन कहेंगे तो इसको रिएक्शन कहना पड़ेगा, और दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर होते हैं लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं। अच्छा, दोनों दो पर लग रहे हैं, जैसे ए नॉर्मल फोर्स टेबल पर लगा रहा है और टेबल नॉर्मल फोर्स इस पर लगा रहा है, तो इस तरीके से ईच एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसमें कोई बहुत ज्यादा कहानी हम लोग को नहीं पढ़ना है। हाँ, कुछ चीजें इसमें हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि साइंटिफिक कॉज को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। सपोज दैट कि व्हेन वी जंप फ्रॉम द बोट ऑन द शोर देन वी अप्लाई द एक्शन फोर्स ऑन द बोट एंड इन लीव ऑफ इट बोट विल ऑल्सो अप्लाई ए फोर्स रिएक्शन फोर्स ऑन आवर लेग थ्रू विच वी कैन जंप फ्रॉम बोट टू शोर बट अप्लाइड फोर्स ऑन द बोट विल सेल इट टुवर्ड्स द करंट।
वह इसको करंट की तरफ खींच करके लेकर चली जाएगी, तो वहां पर इसका काम कर सकते हैं। उसी तरीके से जैसे एक मान ले कि बंदूक है, हम लोग का गन है, और इस गन में ये बुलेट है, तो बुलेट को आगे फेंकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस पर फोर्स लगाते हैं, तो ये क्या होगा, ये एक्शन फोर्स इस पर लगा, ये क्या हुआ एक्शन फोर्स, इस एक्शन फोर्स से बुलेट आगे जाएगी, लेकिन बुलेट इसी पर इधर की तरफ फोर्स लगा देगा, इसको हम लोग कहेंगे रिएक्शन फोर्स, और इस रिएक्शन फोर्स से बुलेट गन पीछे की तरफ आएगा, इट इज कॉल्ड द रिकॉइलिंग वेलोसिटी। तो ये थर्ड लॉ है, इसको भी हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। अच्छा, इन सारी चीजों को कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से भी प्रूफ कर सकते हैं, उससे भी लिख सकते हैं। तो इससे पहले कि जानने के लिए हम लोग को शुरू करना होगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और यही इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी रहेगा बच्चों। क्या हम लोग शुरू करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कहता है कि नेट मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। अगर इस ऑब्जेक्ट पर कोई बाहर से फोर्स नहीं लग रही है, सिस्टम पर बाहर से फोर्स नहीं लग रही है, तब उस सिस्टम का नेट मोमेंटम कंजर्व होता है। कहने का क्या मतलब हुआ बच्चों, दो बातें याद रखनी है कि नो एक्सटर्नल फोर्स तभी एक काम करेगा, कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करे तब सिस्टम का मोमेंटम कॉन्स्टेंट होता है, कंजर्व होता है, वो चेंज नहीं होता है। अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि यहां पर एक बॉल है और ए, इसका मास m1 है और यह e1 वेलोसिटी से आगे जा रहा है। इसी के रास्ते पर एक दूसरा बॉल है b, जिसका मास m2 है और u2 वेलोसिटी से आगे जा रहा है। अगर ये मान ले कि e1 की वेलोसिटी u2 से ज्यादा है तो एक ही रास्ते पर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये इसको टकरा जाएगा जाने के बाद, पीछे से ज्यादा वेलोसिटी से जा रहा है तो दोनों आपस में टकरा जाएगा ए और बी। और मान ले कि 30 सेकंड तक आपस में कांटेक्ट में रहता है, दोनों टकराता है, टकराने के बाद फिर दोनों अलग हो जाता है और यह बी वन वेलोसिटी से और यह बी टू वेलोसिटी से ए और बी आगे मूव करने लगता है। तो एक कंडीशन है जिसको हमको लेट कर लेना है। अब सबसे पहले इसकी चर्चा करिए, इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए, तो m1 u1, फाइनल मोमेंटम ऑफ ए m1 v1, चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, और रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या होगा बच्चों, टाइम से डिवाइड करेंगे तो m1 v1 माइनस एम वन ए वन बाई टी, इसको टाइम से डिवाइड कर देंगे। ये सब तो फोर्स के डेफिनेशन में, फोर्स का डेरिवेशन में भी हम लोगों ने किया था, जस्ट वही है, वहीं पर हम जा रहे हैं। अगर मान लो कि ये टकराने के बाद यह इस पर एफ वन फोर्स लगाता है और यह इस पर मान लेते हैं कि एफ टू फोर्स लगाता है, यानी ए ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल फोर्स कितना हुआ एफ टू, तो बाई सेकेंड लॉ क्या कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, यानी एफ टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वन वी वन माइनस एम वन ई वन बाई टी, तो क्या होगा बच्चों, एफ टू इजकल टू, यहाँ एक कॉन्स्टेंट के लगा दीजिए, एम वन वी वन माइनस एम वन ई वन बाई टी। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे सिमिलरली इसी तरीके से, ये सारी चीजें हमने फोर्स में किया था, जस्ट वैसे ही मुझे कर लेना है। अब सिमिलरली अगर ए फोर्स इस पर एफ वन लग रहा है तो एफ वन बराबर के सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए एम टू वी टू माइनस एम टू यू टू बाई टी हो जाएगा। सिमिलरली हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, तो इतना डेरिवेशन तो पहले हम लोग को कर लेना है।
ठीक है, अब क्या करते हैं कि इसको हटाइए, अब इसकी जरूरत नहीं है मुझे। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है कि भाई थर्ड लॉ, अब हम लोग को थर्ड लॉ लगाना है। थर्ड लॉ क्या कहता है कि ईच एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो दोनों फोर्स जो है एक्शन और रिएक्शन का बराबर होगा, इक्वल हो गया, बट अपोजिट। तो अपोजिट के लिए क्या करना होता है बच्चों, किसी एक में माइनस साइन लगाना है। किस में लगाना है पता नहीं, जिसमें मन है लगा लीजिए, हम इसमें मन है लगा लेते हैं, आपको इसमें मन होगा इसमें लगा लीजिएगा, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप वैल्यू डालिए, तो f1 का वैल्यू है k m2 v2 माइनस m2 u2 by t इक्वल टू माइनस k m1 v1 माइनस m1 u1 by t हो जाएगा। t की कट गया, k कट गया, ब्रैकेट खोलिए, m2 v2 माइनस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 माइनस m1 u1। इसको इधर लाइए तो प्लस हो जाएगा, नहीं सॉरी ए माइनस होगा, सॉरी ए माइनस हो जाएगा और ए प्लस हो जाएगा। अब इसको इधर ले जाइए तो एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू, इसको इधर लाइए तो एम वन भी वन प्लस में हो जाएगा और इसके आगे भी प्लस है एम टू भी टू। अब जरा ध्यान से देखिए, यही मेरा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला हो गया। ये क्या है, पहला ऑब्जेक्ट का इनिशियल मोमेंटम, ये दूसरा ऑब्जेक्ट का इनिशियल मोमेंटम, इसको टोटल इनिशियल मोमेंटम कह सकते हैं हम लोग। ये क्या है, पहला ऑब्जेक्ट का फाइनल मोमेंटम, ये दूसरा ऑब्जेक्ट का फाइनल मोमेंटम, तो इसको टोटल फाइनल मोमेंटम हम लोग कह सकते हैं। तो इस तरीके से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वेरीफाई हो जाता है। कोई एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं लग रही है तो मोमेंटम में चेंज नहीं हो रहा है, भले ही मोमेंटम आपस में चेंज हो रहा है लेकिन टोटल मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आ रहा है। मोमेंटम आपस में चेंज कर रहा है, जैसे इसका मोमेंटम अगर एम वन इवन है तो इसका एम वन भी वन हो गया, तो ए वैल्यू बदल गया, यानी पहले का मोमेंटम चेंज हो रहा है वो मोमेंटम दूसरे में शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन टोटल मोमेंटम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी को एक बड़ी ही फेवरेट कॉन्सेप्ट है बुलेट और गन वाला, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एम बी इक्वल टू ए स्मॉल एम इंटू ए स्मॉल बी। अभी एम बी गन के लिए ले लेते हैं और ये बुलेट के लिए ले लेते हैं। तो कहने का मतलब कि जितने मोमेंटम से बुलेट आगे जाता है गन उतना ही मोमेंटम से पीछे आता है, इसलिए मैं ये बात कह रहा था कि हम लोग इस सारी चीज को जो न्यूटन थर्ड लॉ पर एक्सप्लेन कर रहे थे उसको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अल्फा एग्जांपल आप यहीं पर देख लीजिए, मान लेते हैं कि ए बुलेट वाला है कंसेप्ट, देख लीजिए ए बुलेट वाला कंसेप्ट है, तो जितने मोमेंटम से बुलेट आगे जाएगी एम इंटू ए स्मॉल वी उतने ही मोमेंटम से गन पीछे भी आएगी कैपिटल एम इंटू वी, तभी तो दोनों का मोमेंटम कंजर्व होकर के दोनों का ए आगे है और ए पीछे है, तो नेट कितना हो गया जीरो, दोनों को जोड़ दीजिए एम बी प्लस ए स्मॉल एम इंटू ए स्मॉल बी, ए टोटल फाइनल मोमेंटम हो गया, और एक को माइनस में ले लीजिए क्योंकि एक इधर है और एक इधर है, इक्वल टू टोटल इनिशियल मोमेंटम, तो इनिशियली तो दोनों रेस्ट में था, तो रेस्ट में था तो जीरो, तो यहीं से हमारा निकल गया एम बी बराबर ए स्मॉल एम इंटू ए स्मॉल बी, ये फॉर्मूला भी ड्राइव हो गया। तो इसमें लिख सकते हैं कि टू थ्रो द बुलेट फॉरवर्ड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन द गन अप्लाइज ए मोमेंटम ऑन द बुलेट, सेम इक्वल मोमेंटम इज अप्लाइड बाय द बुलेट ऑन द गन फॉर बाय द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड इन दिस कॉन्टेक्स्ट द गन गेट्स रिक्वायरिंग वेलोसिटी। ए गन में भी होगा, ए आपको तोप में भी होगा, कैनोन जिसको हम लोग कहते हैं तोप में भी ये कंसेप्ट आएगी, या एक रॉकेट का भी बहुत फेमस इसका क्वेश्चन है कि रॉकेट कैसे आगे जाता है। तो देखिए रॉकेट में क्या होता है कि ये रॉकेट है आगे बना हुआ है, ऐसे रॉकेट चलती है तो यहां से धुआं निकलती है ऐसे, देखिए ऐसे, तो जितने मोमेंटम से ये स्मोक बैकवर्ड डायरेक्शन में आता है उतने मोमेंटम से ये रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है, तभी तो मोमेंटम इसका कंजर्व होगा,
इस तरीके से रॉकेट का मोशन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर बेस्ड होता है। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का सारा क्वेश्चन हम लोग कर लिए। अब इसमें हम लोग को सिर्फ बच गया है न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल के लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। तो बहुत दिन के बाद मैं आया था और पीछे चल रहा था सिलेबस, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन मैं आप लोग के लिए बना दिया। बहुत जल्द अब मैं ग्रेविटेशन का भी चैप्टर लेकर आऊंगा। थैंक यू बच्चों।